हेलो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? ठीक है। चलो, नर्सिंग असिस्टेंट के कल हमने जीके देखा था, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जीके हमने देखा था। 10 क्वेश्चन में 10 आप मार्क कैसे लेके आ सकते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, हमने पूरा स्ट्रैटेजी बताया। जाके अगर नहीं देखा तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल हमारा आर्मी सर ऑफिशियल है मिल जाएगा, जाके देखिए। और ये जो हम मिशन चला रहे हैं हर एक टॉपिक का, ये मिशन है मिशन वर्दी 2025 में नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, उसके तहत आपको कैसे सक्सेस मिलेगा वो हम चला रहे हैं ताकि आपको मदद हो। यहाँ पर अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट देने जा रहे हो तो हमने जीके का पार्ट खत्म कर दिया है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आज करेंगे हम बायोलॉजी। क्यों करेंगे बायोलॉजी को? क्योंकि जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट और आई विल इंक्लूड ऑल दी ब्लडी फकिंग टॉपिक्स इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, हमेशा मैं कोई भी चीजें नहीं छोड़ूंगा, कोई भी रिलैक्सेशन, क्योंकि परमानेंट ट्रेड है, कंपटीशन ज्यादा है। वी कैन नॉट टेक ए रिस्क, सिंगल रिस्क हम नहीं ले सकते कि हम सर मैथ को अवॉइड कर देते हैं, 5 ही क्वेश्चन तो आता है। दैट इज नॉट मैटर कि 5 क्वेश्चन आता है भाई, 5 × 4 दैट इज 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी को या फिर मैथ को किसी को भी हल्के में नहीं लूंगा, एवरी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा और बेस्ट बुक आपको सजेशन करूंगा, बेस्ट टाइम टेबल आपको सजेशन करूंगा। तो यहाँ पर हम आज बायोलॉजी को करेंगे। बायोलॉजी में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 × 4 60 मार्क यही आता है। अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट देने जा रहे हो, अगर आप 60 मार्क से मतलब 15 क्वेश्चन में से 13-14 ठीक नहीं करते हो, तो यहाँ पर बहुत चांसेस है कि आप 35 से लेके जो 40 का दायरा है, इस बार तो 38 से भी ऊपर ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ है, हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन था तब भी। तो इसीलिए 35 का जो हमने सोच के रखा है, 35 से अगर ऊपर आपको जाना है तो यहाँ पर बायोलॉजी में 15 से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, मैंने बहुत बंदों से बात किया है। तो 15 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 13 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, तो ये आना बहुत ईजी है। एक तो आप नर्सिंग के स्टूडेंट होते हो, बायो से होते हो, सिर्फ आपको पढ़ाई को प्रॉपरली प्रोसीजर में फॉलो करना है, बुक्स प्रॉपर फॉलो करना है, जो इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे हम हर एक वीडियो में करते हैं, हम जाएंगे ऑफिशियल सिलेबस में और वहां पर देखेंगे उसकी क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। चलो वहां पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पास मार्क दिया है 80 नंबर का, यहाँ पर सोल्जर एन में पास मार्क 80 मार्क, इन चक्कर में नहीं पढ़ना है। पास मार्क सिर्फ इसने दिया है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इस 80 का कहीं नंबर नहीं है, आपको कहीं भी वर्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा काम है आपको वर्दी दिलवाना। अगर अभी तक आपने मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया, अगर आपकी खुद से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपके नाम मेरिट में नहीं आ पा रहा है, आप पास नहीं हो पा रहे, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बार ज्वाइन करना। वहाँ पर ऐसे आपको डिसिप्लिन बनाया जाएगा और ऐसे स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने के लिए बोला जाएगा, आपको श्योर सक्सेस मिलेगा। हमारे टेलीग्राम आईडी हमने शेयर किया है हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे, जाइए कम्युनिटी पोस्ट पे, वहाँ से मैसेज करिए हमें। चलिए बायोलॉजी में देखते हैं हम आगे। अभी बायोलॉजी में तो यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन है बायोलॉजी, यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क, यानी 4 मार्क एक क्वेश्चन का, तो 15 क्वेश्चन को हमने टैकल करना है। चलिए नीचे चलते हैं, कहाँ गया बायोलॉजी, ये तो देखिए जो सिलेबस आपका यहाँ पर है, यहाँ पर इसने क्वेश्चन में या फिर नोट में लिखा तो है कि ये जो सिलेबस है फाइनल नहीं है, हम दूसरे CBSE पैटर्न में क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा वो टॉपिक्स लेते नहीं है। वो सिर्फ क्वेश्चन आपके बनता कैसे, 2-3 बुक फॉलो करते हैं, उनमें से जो क्वेश्चन पहले आ चुका है कुछ उसका क्वेश्चन, और जो नया क्वेश्चन आ रहा है उसको कुछ डाल के आपके प्रिपरेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी में सबसे पहले बेसिक बायोलॉजी जितना आपकी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। दूसरा लाइफ प्रोसेस, आपकी जो चाहे आपकी जो लाइफ प्रोसेस होता है ह्यूमन के, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ बार्ड्स, बार्ड्स के बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। ह्यूमन बींग्स के बारे में, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में एवरीथिंग आपको वहाँ पर पता करना है। फूड एंड हेल्थ, बढ़िया टॉपिक है फूड एंड हेल्थ में, ये तो आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए सब टॉपिक जानने के लिए। मुझे बायोलॉजी स्पेशली पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को खुद के बॉडी के बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है। तो फूड एंड हेल्थ, नेसेसिटी ऑफ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस जो होता है वेस्टफुल, वो पता होना चाहिए। फूड यील्ड के बारे में पता होना चाहिए, एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। साइकिल्स ऑफ मटेरियल्स, इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पता होना चाहिए। लिविंग रिसोर्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म एंड एडेप्टेशन, इतना ही टॉपिक है, इनमें से आपको 15 क्वेश्चन आएगा और 15 में से आपको, हमारा टारगेट है यहाँ पर
13 मिनिमम आपने सही करना, लेकिन टारगेट अपना 15 है, 15 से लेके 15 है लोगों ने सही किया है। जिन जिन ने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है उनसे मैंने जो पर्सनल फोन पे बात किया, मैंने उनसे पूछा बायोलॉजी के बारे में, दे सेड कि सर बायोलॉजी इतना हार्ड नहीं आता, आपकी 15 से 14-15 सही हो जाता है सर। हम मार खाते हैं मेनली जीके, इसलिए मैंने जीके का वीडियो पहले बनाया, और सर मैथ में मार खाते हैं, तो मैथ का भी वीडियो मैं कल परसों लाऊंगा, जैसे ही इसके बाद केमिस्ट्री का वीडियो लाऊंगा, ठीक है, वहां पर देख लेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग वीडियो ला रहा हूं, इसलिए आप अलग अलग बुक्स फॉलो कर सके, अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अभी यहां पर हमारा सिलेबस हमने पता चल गया कि अभी है, अभी ये कि कैसे पढ़ना है बाद में बना होगा, कौन सी बुक से पढ़ना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये जो 15 का क्वेश्चन है ना, ये तो मेरा मतलब वो वाला है, बोलते हैं ना नो बॉल पे फ्री हिट पे नो बॉल, नो बॉल पे फ्री हिट छक्का मारना, ये सारे चीज़ें, क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट है, 15 से 15 लाना है। तो हर एक दिन जो आपकी पढ़ाई की जो आवर्स बनेंगे, जैसे आप बनाते हो खुद की हिसाब से आप रूटीन बनाते हैं, तो हर एक टॉपिक में, क्योंकि आपको यहाँ पर बुक बताऊंगा, उस बुक में ये सारे टॉपिक्स मार्क कर लेना, उस टॉपिक की हर एक सब्जेक्ट को डेली डेली, एक टॉपिक खत्म किया तो 2 घंटे का आपने जो टाइम टेबल रखा और एक टॉपिक आपने खत्म किया, जैसे आज एक टॉपिक खत्म किया, कल भी आपने बायोलॉजी पढ़ा और एक टॉपिक खत्म किया, जैसे ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं 2 दिन के बाद, तीसरा दिन इन दोनों टॉपिक का रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन होने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको करना चाहिए उनके अंदर से कि हाँ ये क्वेश्चन का ये है, ये क्वेश्चन का, आप खुद ही एनालिसिस करिए, किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर यूट्यूब में जो फ्री कंटेंट पढ़ा है उसको यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इस प्रोसेस में अगर ढूंढेंगे तो कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 दिन पढ़ाई किया, तीसरे दिन रिवीजन। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे गाइस आपको ज्यादा फायदे होंगे, आप जितना कम रिवीजन करोगे आप भूलते जाओगे। आज जो पढ़ लिया आपने 3 घंटा 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ा, जब सोने जाते हैं तो आपको फोटो विजुअलाइजेशन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। वहां पर क्या करना है, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सोने से 5 मिनट पहले आपने वहाँ पर सोते सोते या फिर मिरर के सामने बोलते रहना, मैंने आज बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ा, ये सिर्फ 5 मिनट आपने एनालिसिस करना है। डेली डेली अगर ये हैबिट में डालोगे तो आपकी हैबिट अच्छा बन जाएगा। तो सेल में वहाँ पर जैसे सेल किसने इन्वेंट किया था, क्या काम रहता है, किस किस में कौन सी सेल है, कैसे ये वर्क करता है, इसके डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, और ये कंक्लूजन क्या है इसका, और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सिर्फ 5 मिनट आप सेल्फ एनालिसिस करना, किसी की जरूरत नहीं है। आपके सारे बहुत सारे कमेंट्स आज आया था मेरे पास सुबह सुबह, जो हमने जीके के टॉपिक को लेके जो अच्छे आपने कमेंट किया है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब वीडियोस, तो थैंक यू सो मच गाइज। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। मेंटरशिप और जो फ्री टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल पक्का ज्वाइन कर लेना, तो यहाँ पर आप एनालिसिस करके और सो गए, दूसरे दिन आपके हिसाब से टाइम टेबल आप सुबह बनाते या फिर एक हफ्ते के बनाते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको डाउट है इन सब चीजों में आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, आप हमें आपको सजेस्ट करेंगे वहां पर चीजें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपका ये सारे चीज़ें हो गया। आप पढ़ते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, आप पढ़ने के लिए आपको मैं सेम कल के जैसा एक प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था उसकी लिंक, प्रैक्टिस सेट क्यों प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो 30 मार्क रखना बहुत इजी है, 25 क्वेश्चन करना इजी है, 30 क्वेश्चन करना इजी है, लेकिन 35 से लेके 40, 40 से लेके 45, 45 से लेके 50 क्वेश्चन करना, यहाँ पर डिफिकल्टी आता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्कोर बढ़ता है लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ता है, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर 600 मार्क का आपका एग्जाम है, 360 में आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, लेकिन 400-500 तक ठीक है, 550 के बाद मार्क्स रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी मेहनत करना होता है आपको, तो इसीलिए ये प्रोसेस भी सेम है। तो इसीलिए आप जितना पीओआई के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर करते रहोगे उतना मार्क्स आपका ऐड होता रहेगा। आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे उसको एनालिसिस करिए। कोई एक बोल रहा था कि हम एनालिसिस कहाँ से करेंगे, देखिए ये टॉपिक आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जब आप खुद ढूंढोगे, खुद के ऊपर काम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदे होंगे। आप बेसिक बायोलॉजी के टॉपिक यूट्यूब में ढूंढिए, वहाँ पर जितने भी आपको चीज़ें बता आप उसको पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले, गूगल करिए, गूगल में करिए कि एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आ जाएगा आपको डिटेल में क्वेश्चन। मैथ नहीं आ रहा है, फोटो मैथ के नाम पर एक ऐप आता है, फोटो खींच के डालिए, पूरा एक्सप्लेनेशन के ट्रिक्स के साथ आपको दे देगा। रास्ते बहुत है, आपको करना चाहिए। जो नहीं करना चाहता है वो कभी नहीं करेगा, जो करना चाहता है उसके पास रास्ते बहुत है, खुद ही ढूंढ लेगा, समझ गए। इस वीडियो को बनाने के लिए, मेरे पास भी नहीं बनाने के लिए बहुत सारे बहाने थे कि मेरा ड्यूटी है, ऑफिस जाना है, काम बहुत है, छुट्टी में जाना है, सब कुछ है, लेकिन मैंने सब सारे
चीजों को हटा दिया और यहाँ पर आपके लिए बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं मुफ्त में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपके जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर मेरे एड्स आएंगे, एड्स से मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा और उससे मुझे पैसे मिलते हैं। तो कोई काम आप करोगे चीजें ना, जिसको जो करना है, जिसको जो चाहिए वो अपने आप कर लेता है। अगर आपको वर्दी चाहिए आप खुद ही कर लोगे और 15 से क्वेश्चन सही कर लोगे। पहला बुक आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मैंने बता दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, यहाँ से खरीद लेना। दूसरा एलिमेंट्री ऑफ बायोलॉजी, एलिमेंट्री ऑफ बायोलॉजी एक आर्यंत पब्लिकेशन के आता है, वहां पर उस बुक को आप पढ़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा बुक आप एक मॉडल पेपर खरीदिए आर्यंत का, उस मॉडल पेपर में हर एक चीज का शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो वहां पर एक आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि आपको टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सबसे बढ़िया तो वो बुक है, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाता है। उसमें सारे चीज़ें हैं आपके जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट में, होल बुक का एक मॉडल पेपर है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। तो तीन बुक मैंने आपको बताया। अगर आपने कल जीके के लिए प्रैक्टिस सेट खरीदा है तो प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं। एलिमेंट्री जो मॉडल पेपर है उसको एक बार खरीदना है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं। सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट्री ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजी एक बुक आपको खरीदना है, उसको पढ़ना है, और जो बाकी जो दो बुक का लिंक दिया उसको भी आपके पास ऑलरेडी हो चुके होंगे तो उसको भी पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर बेस्ट बुक बता दीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं बेस्ट बुक बता दीजिए सर नर्सिंग असिस्टेंट का, ऐसा नहीं होगा भाई, एक बुक में सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप कितना भी कोशिश करके देख लो, अगर आपसे हो जाएगा तो मैं चैनल बंद कर लूंगा। एक क्वेश्चन से नहीं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो टॉपिक है आपको यूट्यूब में फ्री कंटेंट पढ़ा है उसको वो में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, वो अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है उसको जाके देखना, उससे सीखना, क्वेश्चन पेपर करना, पीयूए का सॉल्व करना, मॉक टेस्ट पेपर जाके देखना, ये सारे चीजें करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तभी जाके आपके सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हो कि राजू भी जो कर रहा है, रमेश भी वही कर रहा है, मैं भी वही करूँ, तो तीनों का सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा? जो थोड़ा एक्स्ट्रा, मनोज थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा है तो उसकी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, और मैं कमेंट में चाहता हूँ कौन कौन ऐसा है वादा करता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे और इस बार 2025 में वर्दी हम लेके देखेंगे। कमेंट करिए नीचे जाके, और टेलीग्राम चैनल और मेंटरशिप प्रोग्राम को एक बार देख सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कल आपको केमिस्ट्री के साथ, नर्सिंग असिस्टेंट की। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।